कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा पोल खोल यात्रा निकाला गया है, जिसका आज पहले दिन में मोटर डीजल पर रेट कम करने के लिए मोटरसाइकिल को मरीन ड्राइव चौक से घसीटते हुए पैदल घड़ी चौक तक ले जाकर भूपेश सरकार का विरोध जताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि कथनी और करनी में फर्क होता है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले हम सब ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप में एक प्रदर्शन किया था वैट की बोरी को लेकर, और दर्शाया था कि यह वैट का जो भार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के ऊपर प्रदेश की सरकार का है। हमने प्रदेश की सरकार से मांग की थी कि वैट के भार को कम करे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दे। जैसे कि केंद्र की सरकार ने 10 रुपये डीजल पे और 5 रुपये पेट्रोल पे जो कम करके पूरे देशवासियों को राहत दी है, उस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार से हमने मांग की थी। और हमने आह्वान भी किया था कि अगर आप कुछ दिनों में वैट के दाम नहीं घटाते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। तो इसी के तहत आज हमने मोटरसाइकिल की पदयात्रा निकाली। मोटरसाइकिल को लेकर हाथों में पकड़ते हुए खींचते हुए हम 3 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल के इस सरकार की आज हमने पोल खोली है और जनता के बीच इस सरकार की नाकामी को लेकर हम पहुंचे हैं। आगामी कार्यक्रम हमारा चरणबद्ध तरीके से रहेगा। आज यहाँ पहला कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत आज हमने की है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार पदयात्रा निकाल रही है, ये पदयात्रा नहीं, ये पश्चाताप यात्रा है इस प्रदेश की सरकार का। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने इस जनता के जेब में डाका डाला है, प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचारी इन्होंने की है, इसका पश्चाताप करने के लिए यहाँ की प्रदेश की कांग्रेस सरकार पदयात्रा निकाल रही है, जिसके जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं। देखिए, सरकार की नियति ही नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम करने के लिए। केंद्र की सरकार ने पहल तो कर दी है, आप भी पहल कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपसे सवाल करते हैं, हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं और आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकार के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको अगर छत्तीसगढ़ की जनता से संवेदनशीलता है तो आप अपनी संवेदनशील को दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के जनता को राहत प्रदान करें। ऐसी मांग हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं।